यूएफओ, एलियंस, ये सब हम भारतीयों को बनी बनाई कहानियां लगती है ना। पर दोस्तों, क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि महाराष्ट्र, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के घर के ऊपर भी यूएफओ देखा गया है। जी हाँ, ये सब कुछ सच है और ये तो बस मैंने आपको एक झलक दिखाई है। आज जिन घटनाओं के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो सच में शॉकिंग है। पहली स्टोरी है चंडीगढ़ की। रात के कुछ 2 या 3 बज चुके थे। सुनीता यादव नाम की एक महिला को अपने घर के बैकयार्ड में एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया, जो कि 4 फीट लंबा था। उसकी ग्रे स्किन थी और आंखें बड़ी बड़ी और काली थी। वो चिल्लाने लगी। उसकी आवाज से सारे घरवाले उठ गए और उन्होंने भी उस अजीब से जीव को देखा। वो लिटरली बैकयार्ड से फ्रंट डोर तक चलते आ रहा था और फिर अचानक से ही गायब हो गया। वो कौन था, कहां से आया था, ये किसी को पता नहीं, लेकिन यादव फैमिली ने ये सब कुछ अपनी खुली आंखों से देखा था। अब जैसे इन्होंने उस आदमी का डिस्क्रिप्शन दिया है, वैसे तो ये एलियन ही हो सकता है। इस इंसिडेंट के बाद सुनीता के लड़के हितेश ने यूफोलॉजी ये ऐप डेवलप किया और वो यूएफओ मैगजीन इंडिया भी रन करते हैं। उनका स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि सच में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टोरी है ऋषिकेश की। ऋषिकेश अपने शांत और पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए बहुत जाना जाता है और जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पर कई स्पेशल या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें एक्सपीरियंस की है। ये बात थी 2013 की। आसमान में बिजली गरज रही थी। अचानक से ही एक आदमी को आसमान में एक सिलेंड्रिकल शेप का यूएफओ उड़ता हुआ दिखाई दिया और वो चंद मिनटों में ही गायब भी हो गया। वैसे ही 2018 में तो दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग, जो कि हमारे मोदी जी का घर है, उसके ऊपर भी यूएफओस मंडराते हुए दिखाई दिए थे। जैसे ही ये घटना हुई, उसी वक्त स्पेशल फोर्स बुलाई गई, लेकिन थोड़े समय बाद उन्हें उन यूएफओस का नामो निशान तक नहीं मिला। चलो, ये तो सिर्फ 1 या 2 लोगों ने ही एक्सपीरियंस किया था, लेकिन महाराष्ट्र में जो घटना हुई उसे करीब 800 लोगों ने देखा था। अब 800 लोगों को भ्रम थोड़ी ना हो सकता है। 2015 में रत्नागिरी में एक पेट्रोल पंप के पास एक ग्रेइश कलर का ऑब्जेक्ट लोगों को दिख रहा था। ये ऑब्जेक्ट भी कुछ ही देर में धुंधला हो गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन लोगों का मानना है कि ये यूएफओ ही था। बेंगलुरु, राजस्थान, लद्दाख और कश्मीर में तो 100 से भी ज्यादा यूएफओ मूवमेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। अब एलियंस है या नहीं है, इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो किसी के पास नहीं है, लेकिन जरा इस इमेज को देखो। यहाँ दिखने वाला हर एक डॉट एक पूरी की पूरी गैलेक्सी है। तो क्या लगता है, इतने विशाल ब्रह्मांड में क्या हम सच में अकेले होंगे? इसका जवाब चाहे हाँ हो या ना हो, दोनों भी पॉसिबिलिटीज एकदम खौफनाक है। क्या आपको लगता है कि ये सब इंसिडेंट सच में एलियन से जुड़े होंगे? अगर हाँ तो कमेंट्स में लिख दो, यस आई बिलीव इन एलियंस।